हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जो नए नए सपने के साथ इस फील्ड में आने वाले हैं, यानी जिनका पहला अटेम्प्ट हो या जिनका अनमैच्योर्ड अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, मैच्योरिटी के साथ एक समझदारी के साथ जो आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 68 बीपीएससी एग्जाम की, जो होगी ये तो तय, जो होना ही है तय, फॉर्म कब आएगा, सीटें कितनी होंगी ये अनसर्टेन है, ये अनिश्चित है अभी, लेकिन इतना तो तय है कि एग्जाम होगा। और ऑलमोस्ट ये भी तय है कि ऊपर वाला करे, आप लोगों की जिंदगी रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, तो एग्जाम देने का मन भी आप लोगों ने बना लिया होगा बहुत लोगों ने, और सपने भी देख रहे होंगे कि गाड़ी में बैठे हुए लाल बत्ती आगे रेड बोर्ड लगा हुआ है, आराम से बैठे, ड्राइवर है, बॉडीगार्ड है, सपने में आने लगा होगा कि इस बार तोड़फोड़ मचा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि सपना अगर हम देखेंगे ही नहीं तो पूरा क्या करेंगे। सवाल है कि तैयारी को हम आगे कैसे बढ़ाएं। ये अभी जो 67 दे रहे हैं उन पे भी लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में टाइम है, लेकिन जो प्योर 68 की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी कम से कम क्या करना चाहिए कि फॉर्म आने के पहले ऑलमोस्ट वो सिक्योर हो जाए, सुरक्षित हो जाए कि नहीं हो रहा है मेरा। तो अभी 68 वाले को क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए, बिहार स्पेशल पढ़ना चाहिए, है ना, करंट अफेयर्स के लिए एकदम सिर फोड़ लेना चाहिए कि करंट अफेयर्स छूट ना जाए। सुनिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने ऑप्शनल पे काम करना है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर पहला काम आपको अभी श्योर कर लेना है, ऑप्शनल पेपर आपका क्या होगा ये आपको अभी तय करना है, प्रीलिम्स एग्जाम के फॉर्म भरते समय नहीं, उस समय के लापरवाही करते समय नहीं, अभी आपको तय करना। अच्छा एक और बात, बीपीएससी 68 जस्ट प्रीलिम्स के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, सीटें अच्छी खासी आ रही है, सीटें कम नहीं आ रही है, और जो हायर पोस्ट है वो अच्छी संख्या में, मतलब उसका बढ़िया अच्छा खासा 100+ के आसपास उसका संभावना है, तो अभी से भी मतलब उसको साधारण हम लोग भाषा में कहते हैं क्रीम पोस्ट कहा जाता है, यूपीएससी के अंदर भी स्टार्टिंग वाले हैं उसी तरह से बीपीएससी अदर पीसेस, तो क्रीम पोस्ट जो है वो अच्छे खासे आने वाले हैं, तो वो जो ड्रीम पोस्ट होता है, क्रीम को हटाओ, तो जो ड्रीम पोस्ट होता है वो ड्रीम पोस्ट अच्छा खासा आ रहा है, तो अभी से आप लग जाइए। तो ऑप्शनल पेपर आपको तय करना है। आज एक कॉल आया एक लड़की का, उसने बोला कि सर जल्दी से बता दीजिए ना कि हम कौन सा ऑप्शनल है जिसमें ज्यादा नंबर है। हम भी हड़बड़ा गए, कह रहे भाई कौन सा ऑप्शनल है जिसमें ज्यादा नंबर आएगा, हमको आज तक तो पता ही नहीं चला कौन सा है, और ये कैसे बता दे कि कौन सा आपको लेना है। खैर जो भी मैं समझाना था समझा दिया मैंने। ऑप्शनल पेपर चूज करते समय सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखिए, किसको आप आगे तक जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर डेप्थ में जाना हो, स्टार्टिंग में सब सही लगता है, लेकिन जब एंट्री कर जाओगे ना तब समझ में आएगा कि कहां क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि कहां पे क्या है। तो ऑप्शनल पेपर आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए, ये सबसे अहम है, तो यहां पे आप अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखिए। अब सवाल है कि क्या सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, मैथ में इंटरेस्ट है और आता ही नहीं है, स्टैट में इंटरेस्ट है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उसके बाद आप उसके रिसोर्स को देखिए, उससे कितने रिजल्ट आ रहे हैं ये नहीं देखना है, क्योंकि आप रिजल्ट देने वाले हो सकते हो, और जिससे रिजल्ट आ रहा है उससे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा ये भी संभव है। तो सबसे पहले ऑप्शनल को तय कर लीजिए, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, और इससे एक और तरीका होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, एकाध किताब किसी से मांग लीजिए, क्योंकि आपको अभी आपने भी तय नहीं किया तो खरीदने का मतलब है नहीं, मांग लीजिए, और बाय चांस नहीं मिलता है तो खरीद लीजिए, पढ़ के देखिए, नोट्स नहीं किताब पढ़ के देखिए कैसा लगता है, उसके बाद आप फिर इससे आगे बढ़ सकते हैं, जिस जो भी अच्छा लगे, तब आप एक शॉर्टलिस्ट कर लेते हो ना कि दो ठीक लग रहा है हमको, तीन ठीक लग रहा है, अब सर बताइए क्या करें, तो फिर सजेशन कर देना आसान होता है। तो आप इस तरह से ऑप्शनल को लेके आप डिसाइड कर सकते हैं।
इसके बाद बारी आती है जीएस पेपर की। जीएस के अंदर पीटी भी होता है, इसी जीएस के अंदर मेन का भी पेपर होता है, यानी पीटी भी है और मेंस भी है। कुछ इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कॉमन हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, और वो भी मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इतना तो कॉमन। करंट अफेयर्स से हम बात ही नहीं करना, करंट अफेयर्स तो 68 के सिलेबस में है ही नहीं, इसी को टैगलाइन बना देंगे आज आपके आपके उस पे ये टैगलाइन जाने वाला है कि 68 में करंट अफेयर्स आएगा ही नहीं। लो अच्छा अच्छा लग रहा है, ये सही है। तो पीटी और मेंस, ठीक है, पीटी और मेंस में जो कुछ कॉमन से सब्जेक्ट हैं उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। साइंस नहीं है, नहीं है, लेकिन एक अलग से हम साइंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। आपको अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ऑप्शनल पेपर पे काम करना है, तय कर लेना है, उससे रिलेटेड पढ़ाई शुरू करनी है। दूसरा आपको काम क्या करना है, एक तो इस हिस्ट्री को आपको देखना है, हिस्ट्री में तीनों देख लीजिए तो अच्छा, नहीं देखने का मन करता मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। साइंस एंड टेक को छोड़ दो, बाद में भी हो जाएगा, साइंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो एक बेहतर समझ बनेगी, तो साइंस एंड टेक कवर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको अभी आप रोक दीजिए, कोई इशू नहीं है, इजी पोर्शन है, कर लोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, दैट्स इट। अभी आपको अपने ऑप्शनल पेपर के साथ, इस पर्टिकुलर के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसके अंदर करंट अफेयर्स नहीं है, इसके अंदर बिहार स्पेशल नहीं है। अगर आप इसको लेकर अभी आगे बढ़ते हैं तो अगर आप सही तरीके से, और इसके इसमें क्या लेके आगे बढ़ना है, पीटी को भी लेके आगे बढ़ना है, मेंस को भी लेकर आगे बढ़ना है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको अलग निकाला है। इतना अभी आप मान के चलो ऑप्शनल के साथ आपको इतना ही पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है, इसको अगर सही तरीके से करेंगे तो आप 4 महीने के अंदर इसको इजिली कवर कर लेंगे। और इतना तो टाइम है अभी आपके एग्जाम देने में, इससे ज्यादा ही टाइम है 68 के लिए। तो आसानी से आप इस बीच में ऑप्शनल रेडी कर लेंगे, जीएस का मेंस पोर्शन, और इसी के साथ पीटी भी आपका कवर हो गया। आपका पीटी तो वैसे ही सेफ हो रहा है, अब जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा, फॉर्म भर चुके होंगे, तो यहां पे आपको रिवीजन करना रहेगा, एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री ऐड करेंगे, करंट अफेयर्स ऐड करेंगे, बिहार स्पेशल ऐड करेंगे, कहानी खत्म हो गई, इतना ही है। और एक्चुअली में इतना ही है, इतना ही है, और एक्चुअली है इतना ही, इसको दूसरे तरीके से मैंने बोल दिया, बट इतना ही है और नहीं है कुछ। और आप अगर इसको स्टार्टिंग से कवर कर लेते हो, और बेहतर ये होगा, क्योंकि अभी आप एक और छूट गया, बेहतर ये होगा अभी आप रिलैक्स मोड में हैं, अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो कोशिश कीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई को भी अभी लगे हाथ निपटा डालिए, लगे हाथ, नहीं तो इसको अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में इस सब्जेक्टिव टाइप के मैटर में डिस्टर्ब करेगा, हटा दीजिए, बहुत टाइम मिलेगा उसके बाद। अगर आपने अभी ये 4 महीना में ये कर लिया, जो कि इजी है करना, मुश्किल नहीं है करना, अगर कर लिया, और ये करने में आपको डेली का 5 घंटा चाहिए, 5 आवर्स ओनली डेली, अगर आपने अभी कर लिया ना, 68 में सिलेक्शन लेने से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब इसको आपको कैसे करना है, आप अगर कैपेबल हो खुद से कीजिए, नहीं है तो जहां ज्वाइन करना है जैसे करना है, तरीका ये सबसे बेस्ट है, और आप इसको काट नहीं सकते। ये नहीं कुछ कहते, कुछ चीजों में मैं पहले ही बोलता हूं ना कि ये यूनिवर्सल नहीं होता, वो पर्टिकुलर होता है, बट ये यूनिवर्सल, आप इसको यूनिवर्सली फॉलो कर सकते हो, अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग, और इसको एक बार कीजिए, एकदम से यूज अंतर दिखेगा। करंट अफेयर्स का तो बात ही खत्म हो गया,
देखेंगे जब आएगा तब आएगा, फॉर्म आएगा उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारे पास फिर टाइम होगा, ये सिर्फ रिवीजन करना होगा, गलतियों को ठीक करना पड़ेगा और नई चीजों को ऐड करते हुए एग्जाम देंगे और 100% पहले ही रेडी रहेंगे फॉर्म भरने के, फॉर्म आने के, एग्जाम में बैठने के बहुत पहले ही आप मेंस के लिए भी तैयार हो जाओगे, पीटी को तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए बेहतर यह है कि अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए और सपने देखे हैं तो अच्छे से पूरा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।